द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। डेट किया आपने लाइफ में? हाँ, डेट वेट। व्हाट इज ही वेयरिंग बाय द वे? डैम, थोड़ा किमोनो टाइप लग रहा है। डैम, काफी फ्यूचरिस्टिक तुम्हारी वाली वाइब आ रही है। तुम्हारी जो एलीट वाइब नहीं होती थी तुम्हारी हंगर गेम्स में, जो एलीट जो लोग होता थी क्लास, वो जो कपड़े पहनते थे, वैसी वाइब दे रहा है भाई हमारा। किया क्यों? नहीं किया क्यों? करते थे हमें मना कर रखा था कि किसी ने कम नहीं करेंगे हमारा। नहीं आप सर, हमारा भी दिल है। दिल के बारे में बताइए, उस छिपे हुए दिल के बारे में बताइए नवाज। बताइए क्या पूछना है आपको? नहीं, वो पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था। मैं था? हाँ थे। था क्यों? ओके, नाउ आई सी द फुल अटायर। ओके, अच्छा लगता था रोमांटिक होना। अच्छा है क्यों? नहीं अब नहीं है, अब नहीं, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। ड्राई? हाँ ड्राई हो चुका हूँ। क्यों हो गया ड्राई? इस काम में ज्यादा मजा आने लगा अभी, सच बता रहा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इट्स अ थिंग दैट आई वुड टेल यू। आई एम सॉरी मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ काफी लोगों के जो कहेंगे 50 सेकंड में पॉज कर रहा है। जो भी यहाँ पे कुछ देख रहा है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हें वो चीज पसंद है जिसको तुम कहते हो पर्पस, जिसको तुम धर्म कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मैं मेरे जिंदगी करना बहुत पसंद है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी तुम लोग चीज रियलाइज करते हो, ये जो अर्ज होती है ना, आशिकी, ये सब चीजें, मैं कह रहा हूँ लेट्स से सिंगल भी हो, बिकॉज दिस पर्सन आई डोंट थिंक, इसकी मैरिटल प्रॉब्लम्स थी एंड एवरीथिंग थी, राइट, नवाजुद्दीन भाई की। बट तुम एक चीज रियलाइज करोगे, तुम्हें जो सेंस ऑफ पर्पस जो होता है, वो जो तुम्हें लेवल का प्लेजर देने लग जाएगा, मीनिंग देने लग जाएगा, वो सारी चीजें जो तुम्हारे 20-18 में तुम्हें लगता है यार जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्यार, ये सब, वो सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं। ये एक एक्चुअल चीज है जो बहुत ज्यादा लोग पर्पसफुल जिंदगी जी रहे हैं। वो तुम्हें देखेगा वो 40 वाले से, अगर 35 में चीजें उनके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी, 40-45 समथिंग, तुम देखोगे वो पर्पस को कंप्लीटली दे देते हैं, बिकॉज काम करके जो मीनिंग मिल रहा है, काम करके जो, बल्कि काम में इतने सारे मल्टीफैसेटेड वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो और ही मजा आता है, क्योंकि आप सिर्फ काम जीने, तो मैं काम कर रहा हूं, काम में आप बड़े भी हो रहे हो, काम में आप नई चीज एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, काम में आप दो नई चीजों को देख रहे हो वेरिएबल्स जोड़ के कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे बढ़ता है। तो वो जो रुचि होती है वो एक लॉन्ग टर्म प्लेजर में भी आती है और एक शॉर्ट टर्म एवरीडे भी उसको करते वक्त आपको भयंकर लेवल में मजे आ रहे होते हैं। लव से ज्यादा? हाँ। प्यार से सीखा क्या? प्यार से? वेरी गुड क्वेश्चन। प्यार से बहुत अच्छी चीजें भी सीखी हैं, ऐसी बात नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन वही है ना, चीटिंग वीटिंग हुआ काफी, दिल टूटा। हाँ, दिल टूटे, रोए धोए, फिर गाड़ी पकड़ ली, फिर निकल गए, फिर वहां दिल टूटा, फिर ऐसे ऐसे कर करके जो है कि ना, गिरते पड़ते समझदार हो गए। शादी करनी चाहिए? या मैं बोलना तो चाहता हूँ बट पता नहीं गलत निकलेगा ना, मत, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। स्पेस लेकर, टाइम लेकर समझाइए। ज़रूरी क्या है शादी करने की? अगर आपको प्यार है तो वो बिना शादीशुदा, बिना शादी के भी उससे रह सकता है प्यार। शादी के पास ना एक बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना, ये तो अभी मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो अभी मेरा है, ये तो मेरी है, अभी इस तरह की चीज़ें होने लगती ना, तो वो एक उसमें बहुत, मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं है ना और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ना एक दूसरे को बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे को, वो जब कहीं ना कहीं शादी के बाद जो है वो ख़त्म होने लगता है, बच्चे हो जाते हैं, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और ये जो आप कह रहे हो ना, मेरे बहुत सारे ओल्डर ब्रोज हैं, मतलब है। एक मीम मैंने देखा था कि अ गर्ल्स फ्रेंड ग्रुप, तो लड़कियां दिखाई और बाकी सारी लड़कियां उसी एज के हैं। अ गाइज फ्रेंड ग्रुप, एक 70 साल का आदमी है, एक 18 साल का आदमी है, एक 40 साल का आदमी, मतलब बॉयज के अलग अलग एज ग्रुप के दोस्त। हाँ, हाँ। तो मेरे जितने भी ओल्डर ब्रोज है, बहुत सारे ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली प्यार रहता ही नहीं। जो भी इंसान शादी कर रहा है, ये सोच कि आप कर रहे हो जो 18-15 साल में आपको उम्मीदें जगाई थी बॉलीवुड ने, तो वो आपको मैं लिखे दे रहा हूँ, वो शादी कहीं कोई भी इंसान समझदार से अगर आप बात करोगे बताएगा वो नहीं होता। शादी समवेयर तुम्हारी एक लाइन है जो कह रही है जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं एक टाइम पे अट्यूनमेंट में आना है दूसरे इंसान के साथ। वो एक ये रिश्ता है कह लो, जहां पे दो लोग साथ में आते हैं और हम साथ ही बनते हैं, क्योंकि हमारी एक एवोल्यूशनरली जेनेटिक नीड है लंबी जिंदगी जीने के लिए, और इसके पीछे बेइंतहा अता रिसर्च है कि जिंदगी में मॉर्टैलिटी पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है उन लोगों से जिनकी जिंदगी में शादी थी
और उन लोगों के जो कि शादीशुदा नहीं थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पे मत चढ़ना, ये साइंस कह रही है, बेइंतहा रिसर्च है, एक नहीं दो नहीं, रिपीटेड रिसर्च डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स में बताया है शादी के बेनिफिट्स अता अपा हैं। शादी के अंदर आई अंडरस्टैंड आपको प्रश्न पूछोगे, लेकिन हैप्पी अनहैप्पी ऐसी शादियां आती हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वहां पर हम जाएंगे। लेकिन अभी हम अगर ब्रॉडली बाहर से देखें, एक इंसान जो किसी के साथ है वो बहुत तगड़े लेवल पे बेनिफिट्स अक्रू करता है सोशल रिलेशनशिप के, क्योंकि आपके साथ कोई है तो आप घर में कभी अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई है टीवी देखने के लिए, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आपके साथ है कोई किसी को आपको मीम दिखा रहे हो बगल में बैठा है कोई, आपके साथ है जब आप घर में टेबल पे खाना खा रहे हो तो रात को, तो आप अकेले नहीं हो। वो अकेलापन बॉडी में इतने खतरनाक लेवल पे तो हाइपर विजिलेंस क्रिएट कर सकता है। जितने भी लोग सिंगल हैं, आपने वो मोमेंट रात को किया है महसूस, मायूसियत सी आती है, आप अंदर से ऐसा लगता है यार जिंदगी, ये जो चोट है ना, ये जो जो फीलिंग है, अगर ये ना हो तो आप लॉटरी हिट कर गए। अगर आप खुश रहते हो अकेले होने में तो आप अकेले नहीं हो, उसको अलोननेस और लोनलीनेस में ये फर्क है बहुत बड़ा। लोनलीनेस का वर्ड आप समझो, परिभाषा साइकोलॉजी में क्या है, परसीव्ड सोशल आइसोलेशन, परसीव्ड। तो एक इंसान जिसके 25 दोस्त हो सकते हैं वो भी लोनली हो सकता है, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल मार्कर्स, फिजियोलॉजिकल मार्कर्स हैं। आप 20 लोगों के साथ भी अकेला अंदर महसूस करोगे, इसलिए वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि मेरा कोई अपना साथ में असली में नहीं है। ये अगर लोग भावना लेके बैठे, तुम रात को खाना खाते हो और तुम काइंड ऑफ मायूस फील करते हो, तुम जब रात को सो रहे हो रात को सोने से पहले कभी कभी आंखों में आंसू से आ रहे होते हैं कि यार कोई नहीं है जिंदगी में, वो इंसान की तुम, अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम खुद देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 साल एवरी सिंगल डे फील करने में, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के प्रति जा रहे हो भाई, तुम हैप्पी नहीं हो लाइफ में, तुम जी रहे हो, मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं बट वो नहीं है। और उन्होंने पाया शादीशुदा लोगों में, इवन दो लेट्स से बहुत ही एवरेज शादी की बात करते हैं जहां पे दो लोग जैसे लोग बातें कर रहे हैं, प्यार नहीं रहा, प्यार तो कैसे रह लेगा, इंसान बाय नेचर नॉवेल्टी सीकिंग जानवर है, डोपामाइन का मतलब क्या, एंटीसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड, तो हम रिवॉर्ड सीकिंग है भाई, एक टाइम पे वो चीज रूटीन बन जाएगी। लेकिन रूटीन में एटलीस्ट तुम्हारे साथ कोई है, जब तुम्हारे आज ऑफिस में भसड़ हुई है, आज कहीं गॉसिप है, कोई कुछ भी बात है, तुम आके किसी को बता पाते हो और तुम्हारे जो थ्योरीज हैं अपनी लाइफ में तो वो शेयर कर पाते हो, तुम्हें लगता है यार मेरे कुछ प्लान्स हैं, तुम कुछ शेयर कर पाते हो, ये एक एवरेज की हम बात कर रहे हैं। अच्छी मैरिज, लेट्स से आपकी लॉटरी लग गई, आपको एक पार्टनर मिल गया जिसके साथ आप दोस्ती निभा रहे हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी मिलता है, जो आपकी काइंड ऑफ लाइकिंग है वो सामने वाले की भी लाइकिंग है, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनकी शादियां ऐसी हैं, वेकेशन में जा रहे हैं, 60 में भी हाथ जोड़े एक दूसरे के साथ बैठे हैं, खुश हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रहे हैं, प्यार करते हैं, और वो बड़े खुश हैं कि हमने एक फैमिली बनाई। फिर आप आगे एवरेज, एवरेज में भी हिडन बेनिफिट्स इतने हैं जो इंसान आंखों से हो सकता है नोटिस ना कर रहा हो सकता है आप एक मैरिज कपल को देखो, आप कहो कि इन लोग की क्या खुशी है, बाप सुबह उठता है और अखबार खोल के बैठ जाता है, मम्मी चाय बनाती है, ये लोग खुश थोड़ी है, तुम हो उनकी जिंदगी में, या दो बच्चे हैं और मम्मी है, चलो ठीक है मम्मी पापा का रिश्ता अच्छा नहीं है, हफ्ते हफ्ते में लड़ाई भी होती रहती है और हम इन सब चीजों को परसीव करते हैं, इनकी लड़ाई होती रहती है, झगड़ा करते रहते हैं, अनबन रहती है, बट तुम अगर इन्हीं सिचुएशन में रखोगे, तुम्हारे पिताजी के पास ये सब कुछ ना होता तो मे बी इससे वो बहुत ज्यादा दुखी होते, और जो तो चीजें तुम देख रहे हो मे बी ये पैकेज है, इसमें उनको खुशियां भी मिल रही हैं और अनबन हर चीज में होती है। तुम अपने दो दोस्त उठा लो और तुम लोग रहने लग जाओ एक बार 10 साल अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहकर दिखाओ, तुम्हारी भी लड़ाई होंगी उससे, लड़ाइयां आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट्स हर जगह होते हैं, और कई लोगों की कपल्स का स्टाइल ऐसा होता है कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसी तरह से बना है कि वो थोड़ा झगड़ते हैं, परेशानी आती है किसी परिवार वाले पे, कोई कम्युनिटी पे, कहीं पे भी तुम देखो वो दोनों खड़े होते हैं दूसरे के साथ, तब वो सडनली कम्युनिकेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं दूसरे के साथ। तीसरी चीज, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, कभी मैं माँ से पूछो क्या आप एक दूसरे को छोड़ोगे, वो एक सेकंड भी एंटरटेन नहीं कर रहा कि मैं इस इंसान के बिना रहना चाहूंगा, ये बात समझना। अब आता है आइडिएशन, सपनेबाजी, मर्डर गस्ती, बकलोली जिसे कहते हैं, उसमें इंसान का यार हाँ यार काश, क्योंकि उसमें क्या होता है हम फैंटेसी लैंड में आ गए। तो भाई अगर तुमसे कोई कहे 2010 में भाई कटरीना कैफ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे, हर कोई और भाई ये फैंटेसी लैंड है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, तुम कंपैरिजन जो फैंटेसी में तुम पुट कर रहे हो, एनी डे रियलिटी की चाहे कितनी अच्छी रियलिटी हो वो बैड लगेगी भाई। शादी इज अ वेरी मच्योर कॉन्सेप्ट, बिकॉज तुम्हारे और उस इंसान के क्या प्रोसेस हैं, वो किस लेवल का अलाइनमेंट है, किस लेवल की तुम लोगों ने चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर रखी हैं, किस लेवल में तुम अपनी जिंदगी को बिल्ड करना चाहते हो। एंड शादी एट मोस्ट इज अबाउट सेल्फ कंट्रोल, शादी इज अ थिंग वेयर वी
पुट चाइल्डिश थिंग्स असाइड, आई फाइंड अ पार्टनर एंड लेट्स जस्ट से अगेन, मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मैरिजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हो, आप एक सेडिस्ट के साथ हो, एक साइकोपैथिक इंसान के साथ हो, एक इंसान जिसको डिसऑर्डर है, जो आपको बिल्कुल कोसता रहता है, भाई वहां से भाग जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ भाग जाओ भाई, समाज के अगर डिवोर्स मत करना, मैं कह रहा हूँ भाग जाओ। अगर एक पार्टनर आपको देखता ही नहीं है, आपकी सुनता ही नहीं है, आप बात कर रहे हो तो उस फोन पे रहता है, उसको आपकी कोई नीड की कोई वो नहीं है, आप उससे कहते हो यार मैं इतना कुछ करता हूँ घर पे तेरे लिए, मैं यहाँ पे लड़की की परस्पेक्टिव से बात करता हूँ, ना कभी वेकेशन की बात करता है, ना तुम्हें कभी मूवी दिखाने की बात करता है, कहता है सिंपल घर पे रहो, अरे ये सब वो करो, तो वो उसने तुम्हें एक तरह से वो रोल दे दिया कि तुम बस एक केयर टेकर हो। यस, दोस आर वेरी बैड पार्टनर्स। तो मैं बैड पार्टनर्स को मैं कह रहा हूँ श्योर, जहां पे आपकी मेंटल हेल्थ के परखच्चे उड़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में और आपको बुरी तरह से आपको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वहां पे ऑब्वियसली वो चीज अच्छी नहीं है, वहां पे इंटरवेंशन की जरूरत है। मैं कहूंगा स्टेप वन होगा इंटरवेंशन, सॉलिड लेवल पे इंटरवेंशन। स्टेप टू होगा भाई इंटरवेंशन के बाद ट्रेनिंग किसी तरह की, अवेल कर सकते हो तो आपको भाई थेरेपी में जाना पड़ेगा, काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, जहां पे आप उस इंसान को उन सारी चीजों को उसके नजरिए से दिखाना पड़ेगा कि तुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तू वो 14 साल का बच्चा नहीं रह सकता जो तू था और तेरे को बस मनमर्जी से जिंदगी जीनी है, दो लोग हो तो मैं दोनों की नीड्स देखनी हो, अगर दोनों एक दूसरे की नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो टू अ डिग्री जहां पे दोनों कह रहे हैं हम सेटिस्फाइड हैं, ये नहीं कि परफेक्ट है भाई, खूबसूरत चीज है फिर। लेकिन अगर फिर से वापस आ रहे हैं, तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसका पर्सनल टाइप नार्सिसिस्ट है, गेम्स खेलता है, मैन्युपुलेशन है, तुम्हें डर रहता है, तुम्हें एंग्जाइटी में रहते हो, झूठ बोला जाता है, फोन छुपा के रखता है, क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, मैं लड़का लड़की दोनों की बातें कर रहा हूं भाई, तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हुई ना यार। ऑब्वियसली मैं 100% सपोर्ट कर रहा हूं ब्रेकअप, भाई शादी उस टाइम पे भाई एक बंधन है बस, वहां तोड़ दो, अपनी जिंदगी बचाओ। लेकिन वो चीज फिर से कॉम्प्लिकेट हो जाती है अगर आपके बच्चे हैं, वहां पे मैं कहूंगा फिर से इंटरवेंशन लाओ, ये लाओ वो लाओ, लेकिन अगर घर में अगेन फिर बच्चे की बात आती है फिर और लेयर्स आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं भाई, हमारी इनकी बात कर रहे हैं, ये जो पहली बात करी थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साथ रहना चाहिए, इसको कहते हैं कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है मैरिज से, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली जब हम मैरिज करते हैं किसी के साथ, द रीजन वाई मैरिजेस लंबी चलती हैं, कोहैबिटेशन अक्रॉस वेस्टर्न कंट्रीज में चलते हैं, कोहैबिटेशन टूटते भी रहते हैं, कोहैबिटेशन टूटने की बहुत जल्दी होती है, कोहैबिटेशन से इंसान क्योंकि तुम एनी डे अप एंड जस्ट उठ सकते हो, कह रहे हो मैं जा रहा, काफी हद तक तुम्हें लगता है अभी हम डेट ही तो कर रहे हैं, मेरा अपना थोड़ी है। शादी क्यों साइकोलॉजिकली इंसान छोड़ने में 500 बार सोचता है, इज बिकॉज पहला एक हमने थ्रू आउट एजेस एक पैटर्न बिल्ड किया, जहां पे हमने बिल्ड किया सोशली कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। सेकेंड, इट्स अ प्रॉमिस फॉर लाइफ। कोहैबिटेशन ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। शादी में हम सात फेरे लेते हैं, क्रिश्चियनिटी में वो गॉड के सामने एक प्रीचर या पैस्टर या जो भी होता है वो होता है, इस्लाम में भाई तुम्हारे वो पढ़े जाते हैं कुरान के हिसाब से, सब कुछ वो होता है। रीजन क्या है? हम कह रहे हैं ये जो बंधन अभी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं है, ये बंधन है जो कि अब ये तुमसे बड़ा है, तुम्हारे नार्सिसिज्म से, तुम्हारे सेल्फ लव से, तुम्हारी सेल्फ एक्सप्लेनेशन से बड़ा है, ईश्वर के बंधन से तुम काइंड ऑफ जुड़ रहे हो, तो वो चीज तोड़ने में विलिंगली तुम 50 बार सोचोगे। तो कोहैबिटेशन और मैरिज में बहुत बड़ा फर्क है, कोहैबिटेशन में इतनी ज्यादा सर्वाइविंग चीज नहीं है जितना हमारे भाई कह रहे हैं रिसर्च के अनुसार, जितना मैरिज होती है। दूसरी चीज आती है, हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, एक हाईली क्रिएटिव लोग की बात कर रहे हैं। हाई क्रिएटिव लोग क्या होते हैं? हाई एंड ओपननेस है, जो भी ये कह रहे हैं वो सम टोटल है इनके एक्सपीरियंसिस का, सम टोटल है इनकी पर्सनालिटी का। तुम्हें हमें जो चीज पता है वो है बहुत हाई एंड ओपननेस है, क्योंकि क्रिएटिव लोग ओपननेस में हाई होते हैं। क्रिएटिव इंसान काइंड ऑफ आजादी सीख करते हैं काफी हद तक। दूसरा, हमें नहीं पता इनका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, हमें नहीं पता इनकी परवरिश के बारे में कुछ भी, हमें नहीं पता क्या टेम्पलेट्स हैं जिन्होंने फॉलो करें, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। और दूसरी चीज हमें पता है कि इनकी शादी में प्रॉब्लम हुई थी, काफी ओपनली पब्लिकली प्रॉब्लम्स थी। सो आई अंडरस्टैंड एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव क्यों होगा, इसको जनरलाइज मत करो, एक पर्सनल ओपिनियन एट्रीब्यूट करो। और दूसरी चीज, वो पर्सनल ओपिनियन को एट्रीब्यूट करो कि वो आ कहां से रहा है, वो आपकी जिंदगी से नहीं आ रहा। सेम चीज अप्लाई करो रणवीर के भी दोस्तों में। बहुत बार एक चीज समझना, हमें जो राय दी जाती है वो राय लोग खुद की लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो बहुत सारे मैरिड लोग जवान लोग कहेंगे ये मत करना, अभी उसी मैरिड इंसान से कहोगे ठीक है फिर तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो ना, वो नहीं छोड़ेगा। कई बार इंसान जो राय देते हैं वो सोच समझ के नहीं देते, हो सकता है वो सिंपल वेंट कर रहे हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट करनी है तो वो सिंपल फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहे हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारी लाइफ में तुम क्या डिसीजन मेक कर रहे हो, ना वो मेंटोर है तुम्हारी जिंदगी का, उन्होंने कहा कि हम पूरा ठेका ले रहे हैं इस पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कि हम इंश्योर करेंगे तेरी जिंदगी खुश होगी। नहीं भाई, वो खाना खाएंगे, जो भी तुम उनके साथ कर रहे हो वो करेंगे और निकल लेंगे। बहुत सारे लोग अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस से आ रहे होते हैं, पहला। दूसरा, कई बार एडवाइस की तुम्हें रूट नहीं पता, वो इंसान ये एडवाइस क्यों दे रहा है, एडवाइस के पीछे का बेसिस क्या है, समझदारी से एडवाइस आ रही है, कितना स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी है उस एडवाइस की, सब तुम्हें कुछ नहीं पता। इंसान एक सब्जेक्टिव राय दे रहा है,
इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी बातें करूँ उसको कितनी भयंकर तरह से मैं एम्पिरिकल साइंसेस से उठा सकता हूँ, ये मेरी कोशिश होती है। तो मैं बहुत सारे लोग होते हैं बोलते श्वेता भाई सब तुम्हारी राय, मेरी राय नहीं है भाई, मैं जब चीजें रख रहा होता हूँ मैं भारी मात्रा पे बैक कर रहा होता हूँ मेरी खुद की पढ़ी हुई एम्पिरिकल जितनी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रिसर्चेस से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी राय तो सिर्फ मेरी है ना, वो सिर्फ मेरे अपने एक इंसान के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और सब्जेक्टिव बायसेस से आ रही है। वो चीज से अगर मैं राय दे रहा हूं तो उसे मेरे पे अप्लाई करती है, हो सकता है मेरी भी उस राय ने पर खर्च उड़ा रखे हूं तो अच्छी राय नहीं हुई। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और उस जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडवाइस बिकॉज द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्यार, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड कंपेनियनशिप। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज जो तुम्हारा अटैचमेंट माता जी के साथ था, जो पिताजी के साथ था, क्या महसूस किया अपने पिताजी और माताजी के साथ तुमने, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ह्यूमन कनेक्शन और प्यार, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप डिफाइन होगी इस हफ्ते हम क्या कर रहे हैं, इस महीने हम क्या कर रहे हैं, फिर हमारे को क्या सिस्टम है जो वर्क कर रहा है हमारे रिलेशनशिप में बढ़िया। एंड प्यार फिर एक रिमाइंडर बन जाता है जो कि हमें टाइम आफ्टर टाइम रिजुविनेट करना है। तो हम हर दो हफ्ते में या हर महीने एक बार डेट पे जाते हैं क्योंकि हमें प्यार भूलना नहीं है। प्यार एक एंटिटी है, एक रिलेशनशिप शादी के बहुत सारे चीजों में बंधन में, यही चीज लोग भूल जाते हैं। प्यार इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती क्योंकि अगर प्यार ही प्यार सबसे बड़ी जिंदगी होगी तो आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। शादी मतलब होता है कि अब तू अपने सारे सपने पूरे कर, मैं अपने सारे सपने पूरे करता हूं, साथ में किसी तरह से सिस्टम बिठाते हैं जिसमें हमारे 500 जो नौटंकियां थी जिंदगी में, लड़का ढूंढने की, लड़की ढूंढने की, प्यार ढूंढने की, सब सब 100 लोग ही हैं, अब हम फैमिली हैं, ये कुल मिला के मतलब है। अब हमें ये काइंड ऑफ अग्रीमेंट बेस करके एक सिस्टम क्रिएट करना है इंसान के साथ जबकि ये चीज फंक्शन कर पाए, विद द एक्सेप्शन अगेन अगर तुम्हारा जो पार्टनर है वो अलग ही लेवल का अब्यूसिव, नार्सिसिस्ट, सेल्फ एब्जॉर्ब, एरोगेंट, बदतमीजी करने वाला ऐसा इंसान जो निग्लेक्ट करता है, तुम्हें धोखा देता है, तुमसे झूठ बोलता है, वहां पर तो फिर वो टीम ही नहीं बन सकती ना, वो पार्ट हटा दो। अगर ये चीजें नहीं हो रही तो फिर भाई रिलेशनशिप है फिगर आउट करना कि हम आगे बढ़ेंगे कैसे जिससे हमारी जो टीम है ये खतरनाक लेवल पे आगे बढ़ेगी, प्रॉस्पर करेगी, विच मींस हमारे करियर, फ्यूचर ओरिएंटेशन, ये सब प्लान्स हैं। एंड प्यार एक चीज है जो हमें अलाइव रखनी है बाय एक्शंस। प्यार लिटरली बिकम्स अ फंक्शन दैट हैज टू बी केप्ट अलाइव। इससे तुम्हारे सारे मैरिज काउंसलर से लेकर तुम्हारे इवन बढ़िया से बढ़िया साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप वो सब बताएंगे इट इज वर्क, अदरवाइज लव विल डाई। बिकॉज जब तुम्हें वो चीज मिल गई है तुम ग्रांटेड लोगे ना, अब तो ये कहीं नहीं जा रही, पढ़े हैं दोनों भाई, फिर तो चीज एट्रफी होगी ना यार। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है, ऐसा नहीं है, शादीशुदा भी है और प्यार भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट होता है कि वो वाकई प्यार है क्या है, बट मे भी हो सकता है, मैंने अभी देखी नहीं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बिना शादीशुदा के हैं जो 40-40, 50-50 साल। बट हम यहाँ पे अगेन बात कर रहे हैं, ये जो सैंपल की बात कर रहे हैं ये अगेन बॉलीवुड सैंपल है, हम आईटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ही इज नॉट इनटू फाइनेंस, हम फाइनेंस की बात नहीं कर रहे। तुम एक रोजमर्रा के जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो ये उस सर्कल के नहीं है, ये है सर्कल तुम्हारे मीडिया, एक्टिंग, मॉडलिंग, एंड वहां पे हम एक बात कर रहे हैं लोगों की जो हाई किन चीजों में है। नार्सिसिज्म में आपको हाई मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा जो पीछे काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं लोग जो अपने आपको कैमरे के सामने रखते हैं काफी लोग हद तक नार्सिसिज्म में हाई होते हैं। ओपननेस बहुत हाई है, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, हमें नहीं पता क्या ड्राइव है उनकी, बैकग्राउंड क्या रहा है, चाइल्डहुड क्या रहा है, क्या मोटिवेशंस हैं, लेकिन वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, एक्ट्रेस भी है उनमें। खुशी कला से मिलती है, खुशी तो कला से मिलती है सर, असली वाली खुशी कला से, आई थिंक दे मीन इज पर्पस, लॉन्ग लास्टिंग, वो तो फैक्ट है। 20s में लगता है कि यार शादी करने के बाद खुशी मिलेगी, बहुतों को लगता है, बहुतों को लगता है, क्या कंडीशनिंग ऐसी है ना, ये मेरा प्यार है इससे मुझे खुशी मिलेगी, ये मेरी वाइफ से मुझे खुशी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद जो है ना जो आपको हाई अपने काम से मिलती है ना वो किसी चीज से नहीं मिलती सर। फैक्ट, फैक्ट, तो गीता में और क्यों लिखा है कर्म करो, गीता में क्यों लिखा है वरना बड़ी से बड़ी फिलोसफी में खत्म से खत्म तुम्हारे आगे चल जाओ भाई। एट द एंड एक चीज समझ लो, अब यहां पे पता है बहुत ट्रिकी जगह पे हम लोग, क्योंकि काफी लोग कहेंगे ठीक है फिर हम काम ही करते हैं ना, नौकरी करते हैं, तो भाई नौकरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअलाइजेशन की। ये काइंड ऑफ हम माजलो वाले एरिया में भी आ गए हैं, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की भाई तुम अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर गए हो, तुम्हें वो चीज मिल गई जो तुम्हें इस लेवल पे तुम बनाती है जो बाकी चीजों से ऊपर ले जाती है तुम्हें।
दैट थिंग डिफीट्स ऑल पर्पसेस इन लाइफ. वो इतना अल्ट्रा पर्पस है तुम्हारा, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में. यानी कि वो एक राइट चार्ल्स डिकेंस के लिए लिखना होगा, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए फिजिक्स होगा, वो आत्म से तुम्हें वो मिलता है सेटिस्फैक्शन उसको करने में. कि उसके बाद तुम्हारे जीवन में करोड़ों की अगर राशि भी रख दिया, तुम कहोगे मेरे को इससे मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ये काम करने में खुशी मिलती है. उसके बाद इसके बाय प्रोडक्ट से अगर पैसा आ रहा है वो अलग चीज है, बट मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये आत्मा है मेरी, और अगर मैंने इस चीज को छोड़ दिया तो मैं रुआसा हो जाऊंगा चाहे मैं किसी के साथ भी रह रहा हूं. ये एक चीज हो गई. इसका मतलब ये नहीं है कि अब दूसरी चीजों का मायना नहीं है. वही करने वाला इंसान हो सकता है शादी में हो तो खुश रहता, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी बीवी के साथ खुश था, पहली वाइफ के साथ वो खुश नहीं था, उनकी बहुत लड़ाई होती थी, बहुत झड़प होती थी, छोड़ के वो उसने अपनी दूसरी शादी करी अपनी कजन के साथ ही, उनके साथ वो जिंदगी भर रहे और वो बहुत खुश थे, उन्हें बहुत पसंद थी. आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को फिजिक्स पसंद है तो मैं शादी नहीं करूंगा. देखो पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत 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 भीहड़ कॉम्प्लेक्स चीज है पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के ऊपर एक और चीज आती है एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में पहले के 4 साल आ जाते हैं जब तुम बच्चे नुन्नु पुन्नु हो, बचपन में तुम्हारे घर में क्या हुआ, तुम्हारी माताजी ने कितना स्ट्रेस लिया था, तुम्हारी नरिशमेंट क्या हुई है, माताजी ने 4 साल तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया, पिताजी ने घर में क्या व्यवहार किया, चाइल्डहुड पूरा वो अलग लेवल की 400 चीजें क्रिएट कर देता है. एपिजेनेटिक्स के अंदर आ जाती है. साइकोलॉजी में तुम जहां जाने लग गए तो पता चलेगा चीजों को जब लोगों के मुख से सुन रहे हो, सुनो और एक बहुत सब्जेक्टिविटी एट्रीब्यूट करो और इन जनरल देखो. ये नहीं कि शादी अच्छी चीज है तो मतलब सबके लिए, यही मैं कहना चाहता हूं, ये मतलब नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इज द एक्यूरेट वे ऑफ पुटिंग इट. फॉर एग्जाम्पल आचार्य प्रशांत शादीशुदा नहीं है, मे बी ही इज वेरी हैप्पी, मे बी ही डज नॉट फील दैट नीड कि भाई मेरे को अकेले जब मैं बैठता हूं अपने साथ तो वो सुख नहीं मिलता. आत्म सुख का इतना बड़ा लेवल है हो सकता है उनके धर्म में कि वो उसमें उनको एक्चुअली फील नहीं होगा. तो जो लोनलीनेस की डेफिनेशन है वो उन पे फिट ही नहीं बैठेगी. इवन तो तुमको कहोगे कि ये तो अकेले हैं, अकेले होने की डेफिनेशन है परसीव्ड आइसोलेशन है. अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अकेले जाएंगे, ये तो है. मैं इसलिए ये सवाल पूछता हूँ लोगों से, करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम तो 31 ईयर्स के हैं, ठीक है, मुझे पता भी नहीं कि एट 40 एट 50 एट 60 दुनिया कैसी होगी, मेरा खुद का माइंडसेट कैसा होगा, मेरी पार्टनर का माइंडसेट कैसा होगा. करेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं. तो दैट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग, नॉट नोइंग, गोइंग थ्रू इट. दैट्स लिटरली इन एवरी डोमेन ऑफ लाइफ. That's the difference between courage and fear. जिंदगी में पॉइंट यही है कि हमें नहीं पता उत्तर, और हमें यह भी नहीं पता उत्तर आज जो मिल रहा है ये सही है या गलत है. हमें यह भी नहीं पता उत्तर जो आज हमें मिल रहा है वो क्वेश्चन सही है. बट जिंदगी को जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, जिंदगी का जो स्वाद है वो यही तो है, वो जीने में है. क्योंकि अगर हम इन 3 प्रश्न के बेसिस पे बैठ गए और डाउट में आ गए तो तुम कभी जिंदगी में हिलोगे ही नहीं ना. फिर तो फिर एक दिन बैठे होगे 50 लोगों का, हमने कुछ किया ही नहीं ताकि हमारे से कुछ बुरा ना हो, मुझे सब कुछ सर्टेन में अभी चाहिए, ये काइंड ऑफ पैरानोया वाली चीज नहीं है. ये एक बहुत भयंकर लेवल पेसिमिज्म या सिनिसिज्म से नहीं आ रही. मैं एक बात कहता हूं बहुत खूबसूरत, लेट्स से नहीं चली तो क्या हो गया तुम्हें. इसीलिए सेंट्रल में मैं 5 या 6 साल से बात करते आ रहा हूं, तुम्हें अपने साथ एक रिश्ता बनाना है, तुम्हें अपने अंदर इतना खूबसूरत मजबूत इंसान बनना है कि अगर कोई जा भी रहा हो तो हाथ जोड़ कह पाओ कि आई अंडरस्टैंड, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन जो भी पल थे वो खूबसूरत थे. अगर नहीं वर्क कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन, आई अंडरस्टैंड, गिला शिकवा नहीं रखते, गले मिल लास्ट टाइम, तू जा, अगर कोई बात हुई खराब तो भी बताना भाई. वो इंसान भी रहेगा, क्या इंसान था, और इस इंसान को जिंदगी में ऐसा नहीं वो अकेला मरेगा. तुमसे 50 दोस्त होंगे, तुम्हारे 50 तुम्हारे साथ लोग होंगे जो कहेंगे हम भी रहना चाहते हैं. जिंदगी को एक डायनेमिक वे में जियो यार, एक गीत की तरह उसको जियो, उसमें खूब होप है, ऑप्टिमिज्म है. ये थोड़ी कि हमारे एक चीज वर्क नहीं करी इसलिए अब मैं एक जनरलाइज बोलने वाला हूं, एक ह्यूमैनिटी पे एक्सप्रेशन. ह्यूमैनिटी के अंदर इतनी दर्दनाक हॉरिफाइंग चीजें हो रही हैं. अभी तुम कार्टेल वार्टेल के वीडियोस होते हैं वो देख लो, तुम्हें कहो कि यही है ह्यूमैनिटी, पर वो नहीं है ना भाई. तुम्हें छोटे पॉकेट्स मिलेंगे जहां पे ऐसी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर कुछ नहीं होगा. ये तक चल रहा है इंसान में, एक पार्ट वो भी है पॉकेट, एक पॉकेट है जहां पे 2 लोग अपनी पूरी जिंदगी भी बिता रहे हैं. तुम्हारे बाबा दादी भी हैं, आज भी ऐसे लोग हैं. ये बात जनरलाइजेशन से मत आओ, तुम्हें हौसला लाना है, लेकिन तुम्हारा हौसला रूटेड होना चाहिए यहां. दूसरे इंसान पे नहीं हो सकता. जब भाई भाइयों को धोखा दे देता है, कई कई केसेस में माता पिता बच्चों के साथ कर देते, पिता
बच्चे माता पिता के साथ दगाबाजी कर देते, पता नहीं क्या कर देते। तो दुनिया में गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, गारंटी सिर्फ एक चीज की कि मेरे दो हाथों से क्या मैं खूबसूरत जिंदगी, मैं सिर्फ इन दो हाथों से क्या बिल्ड कर सकता हूं, खत्म बात। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है और काबिलियत है, कितने लोग मिलेंगे खराब, कितने प्रोबेबिलिटी रख लो, 10 मिलेंगे, हाथ जोड़ो 11वां मिलेगा, कहेगा भाई माफ कर रहे तुझे तो 10 मिले, मैं तेरे साथ रहूंगा। यह है जिंदगी, यही है असली रूप जिंदगी का। हार मत मानो, लेकिन एक बात समझो, ये परसेप्शन भी कि अगर मैं सिंगल रहना चाहता हूं तो वो हार मानने वाला है, ये भी गलत है। अगर तुम्हें आचार्य प्रशांत जैसे एग्जांपल हो गए, बहुत सारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, बहुत सारे लोग थे जिनको शायद वो नीड नहीं थी। और अगर तुम्हें नीड नहीं है और यहां पे तुम खिल रहे हो, ये मार्कर है, खिल रहे हो रात को सोते टाइम, अंदर ऐसा नहीं लगता कि यार कोई नहीं है, तो ये मार्कर है इसकी, सुनो, यानी तुम्हें कोई चाहिए। अगर ये है कि तुम खिल रहे होते हो, दिन निकल जाते हैं पता नहीं चलता यार, काम में इतना मस्ती मिल रही होती, सुबह उठते हो तेज है एक, तुम दौड़ते हो क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है, मुझे अपने टांगों को स्ट्रांग करना है यार, बॉडी को स्ट्रांग करना है, फैट आ रहा है यहां पे, इसको खत्म करना है। अगर ये है स्फूर्ति जल्दी जीने की और तुम्हारी लाइफ में तब भी कोई नहीं है, तो तुम्हें तुम जबरदस्त जी रहे हो। अब समझो कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कितने लेवल पे बता रहा हूं, लेकिन कई लेवल पे पता है, यहां पे हमें बुरा मत माना, मुझे काफी वो दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो काफी पेसिमिज्म में काफी लीन कर रहे हैं। वैलिड स्केप्टिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इट सेव्स यू फ्रॉम मेकिंग बैड डिसीजंस, बट टू व्हाट डिग्री आर यू एट्रीब्यूटिंग लॉन्ग टर्म में कि ये चीज में नेगेटिव चीजें होती हैं। यार तुम सबसे मैं कह रहा हूं, अपनी जिंदगी की सारी वैल्यू रूट करो अपने हाथों पे, अपनी काबिलियत पे और बुद्धि पे। दुनिया में एक चीज में तुम लोग बता दे रहा हूं सबसे सुप्रीम क्या है, सबसे सुप्रीम तुम लोगों को मैं हैक दे रहा हूं जिंदगी का, विजडम एक्विजिशन। जितने लेवल पे विजडम अक्वायर कर सको, क्योंकि विजडम नॉलेज नहीं होती, नॉलेज तुम्हारे सामने है, तुम्हें अपने अंदर डाल दी, उसका यूज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें से करोड़ों लोग तुम्हें मिलेंगे जो कि पीएचडी हैं, 50 तरह की नॉलेज है, बट वो है एक नंबर, उनके कर्म एकदम ही मूर्खों वाले हैं, कर्म उनके एकदम ही घिनौने हैं, तो उस नॉलेज ने उनकी हेल्प नहीं करी उनको कल्टिवेट होने में। विजडम होता है जब नॉलेज से एक रियलाइजेशन पैदा होता है जो तुम्हें को एक्शन में बदल देता है, सोच बदल देता है, तुम्हारी आत्मा का रूप बदल देता है, फिर आत्मा को एक्चुअलाइज करता है, तुम्हारी आत्मा के बारे में जो चीजें जाननी थी वो अनलॉक होती हैं, तुम असली रूप जो तुम्हारा है वो अनलॉक होता है, शारीरिक दुनिया तुम्हारी एक सोशल आइडेंटिटी जो है वो ब्रेक होती है, एक अंदर कोर आइडेंटिटी जो तुम्हें लगता है मैं बनना चाहता था हमेशा से, एक एक्चुअलाइज वर्जन तुम्हारा वो अनलॉक होता है। वो जो कर रहा है 8 बिलियन में से, मुझसे ये मत कहना उसको इंसान नहीं मिलेगा भाई, और वो क्योंकि कभी उस दलदल में नेगेटिविटी पेसिमिज्म की सिनेसिज्म में जाएगा ही नहीं, पैर भी धंसोगे तो वो देख रहा होगा आसमान को, देख रहा होगा आसमान को, क्योंकि उसको पता है मैं कौन हूं, मैं खूबसूरत इंसान हूं, मैं नहीं गिरूंगा, मैं किसी के साथ घिनौने कर्म नहीं करूंगा, किसी ने मेरे साथ घिनौना कर्म भी किया तो वो तेरी प्रॉब्लम है, तू है। अगर उसमें किसी की तराजी दूरी है, घर में बच्चे इन्वॉल्व है, मैं बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दे दूंगा, यानी कि मैं इतना खूबसूरत जहां बनाऊंगा अपने हाथों से, अपने कर्मों की करने की क्षमता से कि बच्चे प्रॉस्पर करेंगे मेरे, ठीक है थोड़ा सा चोट मिलेगा, दर्द मिलेगा, लेकिन उससे उनकी भी दिखेगी पर्सनैलिटी क्या है, उनको भी थोड़ा सा परेशानियां तो हो झेलें तो, लेकिन भाई मैं उनको अकेला नहीं होने दूंगा, मैं निभाऊंगा। तुम जा रही हो जाओ, ठीक है, ये है इंसान। कोई इंसान ये नहीं होना चाहिए कि अगर जा रहा है तो तुम नहीं हो, ये बात मैंने कितनी बार बोली है, कितने सालों से बात कर रहा हूं, तुम हो, कोई इंसान तुमको तुम नहीं बनाता, सिर्फ तुम हो जो डिफाइन करता है तुम क्या हो। कोई शादी, कोई रिश्ता, कोई बहन, कोई भाई, किसी के बाप, किसी की बेटी, किसी के थ्रू तुम कुछ नहीं बन जाते, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, सन ऑफ, ये नहीं हो तुम। तुम्हारी आत्म जो है, तुम्हारी खुद की कैपेबिलिटी जो है, तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारी बुद्धि जो है, तुम्हारे स्किल्स जो हैं, तुम्हारा विजडम जो है, वो हो तुम। उससे इन्फ्लुएंस करो, उससे गजब डिसीजंस लो और उससे अपने आप को संभालो। डर तो आएगा, सिनिसिज्म आएगा, खूब आएंगे, कमरा बंद कर दो, कुंडिया लगा दो, नीचे से आएंगे धुएं की तरह, तुम्हारी जिंदगी को क्लाउड करना चाहेंगे, तुम्हें है जो सफाई करनी है। इस धुंध में अगर बैठ गए तो कोई भी आ जाएगा तुमको, जो किसी भी तरह की आइडियोलॉजी में तुम्हें लपेट देगा और तुम्हें नफरत का एक मिनियर बना देगा, नुमाइंदा बना देगा नफरत का, सिर्फ नफरत करोगे और डर डर में फंसा रहेगा, तुमसे सारा पैसा भी चूस ले जाएगा। बहुत सारे बच्चे फंसे इन चीजों में, उसके खिलाफ लड़ता हूं मैं, इसलिए इतना पढ़ता हूं मैं, पागल की तरह, अंधे की तरह पढ़ता हूं मैं भाई, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं तुमको फैक्चुअल एम्पिरिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन दे पाऊं, मेरे को सब्जेक्टिविटी में नहीं खेलना।
पता है कहते हैं कि शादी इज़ दी ओनली थिंग दैट एंड्स इन सेपरेशन और डेथ, और ये जानकर लोग एंटर करते हैं इसमें. यस ट्रू. पर ये कोई आपको बताता नहीं. यहाँ पे सही आंसर क्या है? सी हमने जो सोसाइटी जीना है सही आंसर. व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज फुल स्टॉप. लाइफ इज दैट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ. लाइफ इज अब जियो उसको. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बना रखी हैं उन लोगों ने अपना अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए. ये वो बात भी ठीक है, सही है. बैलेंस रखने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं. बट अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो डिसीजन जो है ना आप बहुत सोच समझ के, हालांकि उस वक्त पे जब डिसीजन लेते इतनी उम्र भी नहीं होती, इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती आपके पास जब आप शादी का इसका उसका डिसीजन लेते हैं. वेरी फेयर पॉइंट. वेरी फेयर पॉइंट. बहुत टाइम के बाद ये ज़्यादातर आई थिंक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है कि अगर अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ करने का, कुछ क्रिएटिव करने का है तो वो पॉसिबल तभी है जब आप अकेले हो. और वेरी ब्यूटिफुल थिंग सेड. आई एम नॉट सेइंग की बात सही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर ही कम्स फ्रॉम. हिज एस्पिरेशंस आर माउंट एवरेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी बहुत ही पर्सनल जगह है. आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. एंड आई अंडरस्टैंड अगर इंपेडिमेंट है, घर के अंदर कलेश है, घर के अंदर किचकिच पिचपिच पिच है, वो इंसान के क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन में बहुत भयंकर लेवल पर फर्क आएगा. तपस्या है क्रिएटिविटी, क्योंकि वो है कॉन्स्टेंटली पैटर्न तुम्हारा दिमाग फॉर्म कर रहा है उनको ब्रेक करने का. क्योंकि तुम्हारा दिमाग वर्क करता है किसी चीज को समझना है मुझे, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो दिमाग फाइट करता रहता है. क्रिएटिविटी चीज है कि तुम किसी चीज को इवॉल्व करते रहो, तुम स्टैटिक नहीं रह सकते. तो क्रिएटिविटी फाइट है तुम्हारे दिमाग की खुद की कैपेसिटी टू फॉर्म रिजिड पैटर्न्स. तो तुम समझ रहे हो क्या तपस्या है वो, कि मैं गलती से भी टाइपकास्ट ना हो जाऊं मेरे ब्रेन की एक्सप्लेनेशन से, मेरी ब्रेन की डेफिनेशन से कि ये चीज ये है. मुझे रोज रीइन्वेंट करना अपने आप को, उसमें बहुत स्पेस चाहिए इंसान को दूर से. लोग बोलते हैं ना अकेले रह के तो ये हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ये हो जाता है, लोनलीनेस फील होता है. मैंने अभी एक फिल्म देखी द परफेक्ट डेज. वो आदमी बिल्कुल अकेला है, जब टॉयलेट साफ करने जाता है वापस आ जाता है, और जब घर से निकलता है खुश होके निकलता है. उसकी लाइफ में दो तीन लोग आते हैं चले जाते हैं. तुम्हारी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी थी, आई थिंक जीती नहीं थी बट नॉमिनेशन में थी लास्ट ईयर. थोड़ा सा झटका दे के चले जाते हैं उसको, लेकिन बाद में फिर उसकी खूबसूरत लाइफ है. वो हर रोज खुश होके जाता है टॉयलेट साफ करने, वापस आ जाता है और सोता है, किताब पढ़ के सोता है. ये उसकी लाइफ है, बरसों से चली आ रही है उसकी लाइफ और वो खुश है. तो मैं तो देख के शॉक्ड हो गया कि जो हमें बताया गया कि अकेले रहने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, इसमें चला वो हो जाता है, लेकिन वो फिल्म ऐसी है और वो इतनी खूबसूरत फिल्म है. आई अंडरस्टैंड, बट वो एक फिल्म है. और अगेन पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और मे बी वो उस इंसान की बात करें जो ऐसे जी पा रहा है, एज अपोज टू आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अकेले आपको दिखते हैं, आपको दिखता है उनके चेहरे पर उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं. तो अकेलेपन में इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हमें बताया गया है. ये तो हार्ड साइंस में भी रिसर्च है. साइकोलॉजी बहुत हद तक एम्पिरिसिज्म में बेस करती है, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट्स. सेल्फ रिपोर्ट भी बहुत स्टैटिस्टिकली हम बहुत भयंकर लेवल पे उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत हाई होती है. बट हम आ जाते हैं डोमेन अब यहाँ पे हार्ड साइंस में, न्यूरो साइंस, न्यूरो ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन स्कैंस में दिखता है यार लोनलीनेस के. वहाँ तुम जहाँ तुम्हारे डेटा सेल्फ रिपोर्टिंग से हम बाहर आ चुके हैं, हम लिटरली तुम्हारे ब्रेन के अंदर देख रहे हैं, वहाँ पे जब दिख रहा है कि भाई लोनलीनेस का एक्चुअल क्या डेंजरस लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ ब्रेन छोड़ दो भाई, पूरी फिजियोलॉजिकल इतनी बीमारियों से लिंक्ड है, इतनी बीमारियों से लिंक्ड है जिसकी हद नहीं है. अगेन परसीव्ड आइसोलेशन, एक इंसान जो अकेला महसूस करता है. ऐसा और ऐसा टॉपिक है जो ऐसा कनेक्ट होता है आपको, मैंने यार ये इंसान में क्यों नहीं हो सकता ऐसा लगता है. मे बी नाउ दिस इज द मोर ब्यूटिफुल थिंग. मे बी यू फेल दैट बिकॉज यू आर दैट. Maybe it only is your expression and you could connect to it because it said something to you. A lot of times things are not general, and that's why art is such a beautiful thing, because it can express your reality and you may see something in it jo sirf tumhe dikhi kyunki tumhare andar wo cheez thi tum usko express nahi kar paye, lekin jab tumne usko dekha tumne kaha abhi to aisa main bhi hu yaar, aur meri kahani ka ya meri kahani kaisi ho sakti hai, mujhe uska ek example dikh raha hai. कितना खुश है इंसान ये. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर मन नहीं है तो मत करो. शॉशैंक रिडेम्पशन देखिए, उसमें वो है एक
बंदा जो सुसाइड करता है, लोग वो रियलिटी से डरते हैं कि लोनलीनेस की वजह से उसने सुसाइड कर ली. आई थिंक बहुत सारे लोग जिनको शादी करनी है एक्चुअली वो लोनलीनेस से दूर भाग रहे हैं. भाग नहीं रहे मेरे भाई, इट्स अ थिंग यू एक्चुअली फील. तुम में से मैं जानता हूँ कितने बच्चे हो, लोग हो, दोस्त हो, जो घर पे जब खाना खा रहे होते हो या रात को सो रहे होते हो, किताब भी पढ़ रहे होते, फिर किताब फोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, एक भावना आती है अंदर और तुम्हें महसूस होता है यहाँ से चीजें यहाँ जाते हुए, उसमें वो महसूस होता है यार यार जिंदगी में कोई है नहीं यार, यही है भावना. ये जो फीलिंग है ये एक्चुअल में हार्ट रेट से लेके, इन्फ्लेमेशन से लेके, तुम्हारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से लेके, इन सब चीजों में चेंजेस लाती है, तभी तो तुम कुछ महसूस कर रहे हो ना. इमोशंस का बहुत इंपैक्ट है बॉडी पे, और फिर वो जब प्रोलॉन्ग होती हैं, प्रोलॉन्ग स्टेट में तुम रहते हो और तुम्हारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स लेस रिलीज हो रहे हैं या तुम्हारे ब्रेन रीजन जो सैडनेस से कनेक्टेड है वो रिलीज हो पड़े हैं, वो ज्यादा लाइट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, टाइम पे क्या होगा, वो चीज हो पड़ी है, वो स्ट्रेंथन होती चली जाएगी ना यार. रिपल इफेक्ट, एक चीज दूसरी चीज को जन्म देती है. तो तुम एक बिहेवियर या एक इमोशन की वजह से हो सकता है तुम दूसरे और ऐसे बिहेवियर्स डाल लो अपनी जिंदगी में जो और एड करने लग जाएं दुर्गति में. तो मैं लेट सोता हूं, लेट सोने से और इंपैक्ट होने लग गया. मैं खाना एक मील ही खाने लग गया हूं, खाना अच्छा नहीं खाता, मैं पड़ा रहता हूं, मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है. पांच बिहेवियर मैंने ऐसे इन्वॉल्व कर लिए जो उस भावना को सपोर्ट कर. अब वो पांच हार्मफुल बिहेवियर है. ऐसे थोड़ी मैं कह रहा हूं मोर्टैलिटी का डायरेक्ट वो है. इंसान सिगरेट पीना स्टार्ट हो गया, कितने लोग हैं जो लोनली होते हैं उनका अल्कोहलिज्म से, अल्कोहल या सब्सटेंस यूज से भयंकर रिलेशनशिप आया. क्यों? क्योंकि तुम्हें, तुम दारू से कोप करने लग जाते हो. अल्कोहलिक कंजम्पशन किससे रिलेशन में है मेरे भाई? ये भी रीजन हो सकता है. हाँ, होता है. आप लोनली हो? मैं बिल्कुल भी नहीं हूं. खत्म बात, ये वीडियो खत्म हो गया. तुम लोग को मैंने इसकी पूरी साइकोलॉजी बता दी. अब यहां पे तुम्हें आंसर मिल गया. जिस इंसान ने तुम्हें आंसर दिया समझो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आंसर है. लोनली नहीं है, नहीं है वो. आई एम प्रीटी श्योर, आई एम अज्यूमिंग इनके बच्चे हैं, इनकी जिंदगी में इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनके बच्चे हैं और इनकी आर्ट है. मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं. एंजॉय. मैं अकेला ही इतना खुश हूं. बस अगर ये है तो तुम लोनली नहीं हो. थैंक गॉड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अकेले रहने की. आपने ये सीखा है? सीखा है कि अकेले में खुश कैसे रहते हैं. मैं सर जब सुबह उठता हूँ ना, मैं अकेला ही रहता हूँ अपने घर में. जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे से खुश इंसान कोई नहीं होता. पेड़ पौधों को देखता हूँ अपने विंडो से, ये वो, और एक गहरी सांस लेता हूँ. वाओ व्हाट अ टाइम, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फील होता. अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकता हूँ मैं. सब क्रिएटिव आंसर्स हैं. वृक्षों को देखता हूँ यानी मैं नेचर को व्यू कर रहा हूँ. ये सब पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं. ये ओहाई ओपननेस के साथ आते हैं. कितने लोग हैं नॉर्मली जो ये सब बैठे हैं? अगर तुम्हारे को खाली हो तुम घर के अंदर, तुम क्या करो? फोन स्क्रॉल करोगे? इंसान की बातें सुनो. मैंने क्या बोला? हाई इन क्रिएटिविटी है, हाई इन ओपननेस है. तुम दुनिया को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो तुम काइंड ऑफ, तुम्हें पता है, कॉग्निटिवली बिजी रहते हो. तुम्हारे को इतना पर्पस मिल रहा है तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे धर्म से, कि वो तुमको इतने सारे धागों के साथ बांध देता है कि वो धागे तुम्हें इतने लेवल की प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देते हैं कि तुम उसमें दिन निकल जाता है, तुम फिर सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर वो धागे वापस रीएंगेज करते हैं. कभी भी बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, जब खाली टाइम होता है. हालांकि ऐसा टाइम बहुत ही मुश्किल मिलता है, लेकिन जब मिलता है, मुझे एक दिन पूरा मिलता है और कुछ नहीं होता मेरे पास, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत डे होता है. आपकी ज़िंदगी कभी डेंजर में रही है? मेरी ज़िंदगी नहीं, नहीं वैसे डेंजर में नहीं रही, बस डेंजर सामने से आए बहुत सारे. मतलब? मतलब है ऐसी तरह की कुछ बीच में इस तरह की वो चीज़ें हो गई थी. लोग? हाँ, लोग कंट्रोवर्सीज टाइप हो गई थी. मीडिया से बहुत डर लगता है. सबसे डरावना चीज़ तो वो है कि जो आप होते ही नहीं हो वो क्रिएट किया कर दिया जाता है. उससे डर लगता है. बिल्कुल सत्य है. आई नो दिस एज वेल. डर मैं नहीं कहूँगा, बट मैं तुम लोग को ये भावना, तुमने अगर मैं तुम सबने करी है जिंदगी में, शायद स्कूल में करी हो, शायद यूनिवर्सिटी में करी हो या ऑफिस में करी होगी, तुम्हें लग से एंगेज नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे बारे में एक बात करी जा रही हो, तुम वो चीज़ अजीब ही फील होता है कि क्यों तुम्हारे बारे में कुछ और ही क्रिएट किया जा रहा है. क्यों है ये? अजीब ही, बहुत ही वियर्ड फीलिंग है. वियर्ड नहीं, मतलब बहुत ही बिटरेइंग फीलिंग होती है. इससे डर नहीं लगता कि आपकी न्यूज़ आ गई, गलत न्यूज़ आ गई, इससे डर नहीं लगता. लेकिन लोग, एक इंसान जो आपके बारे में एक इमेज बना लेता है न्यूज़पेपर पढ़ के या न्यूज़ उस देख के, उससे बड़ा डर लगता है कि उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा यार, और मैं तो ऐसा हूँ नहीं. अगर आपको ये क्लिप अच्छा, अमेजिंग क्लिप, थैंक्स रणवीर भाई.